लेकिन भैया हम तो डायरेक्ट सूरज की तरफ जा रहे हैं। सूरज तो बहुत दूर है विवान, लेकिन उससे पहले हम शुक्र ग्रह के पास से गुजरेंगे जहाँ का तापमान 880 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। और अगर ग्रेविटी के कारण हम गिर गए तो सूरज की गैस बनने के पहले हम वीनस में डस्ट बन जाएंगे। वो रहा पहला शक्ति पुंज, यही मुझे वो पहली दुर्लभ कुंजी मिलेगी। आप तो चाहे उंगली टेढ़ी कर ले या खुद टेढ़े हो जाए, कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बार चालक चक्रों को नियंत्रण में करने के अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। लेकिन भैया बिना जादुई शक्तियों के हम इतने बड़े प्रोपेलर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? दुर्लभ कुंजी इसी पेड़ के तने में है। रुको भैमार, ये इतना आसान नहीं है। ये पेड़ एकदम छुई मुई पौधे की तरह शर्मीला है। तुमने जैसे ही इसे छुआ तो क्या हो जाएगा? जैसे छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही शर्मा जाता है, सिकुड़ जाता है, वैसे ही अगर तुमने इस पेड़ को छुआ तो एक छोटा सा बिंदु बन जाएगा। लेकिन अगर ये पेड़ इतना ही शर्मीला है तिमनासा, तो बिना छुए वो दुर्लभ कुंजी निकालेंगे कैसे? उसके लिए हमें इस पेड़ के ऊपर बहुत अधिक गर्मी छोड़नी पड़ेगी, जिसके कारण ये पेड़ निष्क्रिय हो जाएगा और हम इस पेड़ के तने से वो कुंजी आसानी से निकाल सकेंगे। लेकिन इतनी तेज गर्मी हम लेकर कहाँ से आएंगे? इसका उत्तर वो रहा तुम्हारी आंखों के सामने। बालवीर के आने से पहले हमें किसी भी हालत में तिमनासा को इस टच मी नॉट ट्री को टच करने से रोकना होगा। अब आगे क्या आइडिया लगाया जाए जैसे हम इस उड़ते घर को रिवर्स गियर में अर्थ की तरफ ले जा पाए? घर अभी जिस दिशा में जा रहा है उसे उल्टी दिशा में घर को ले जाने के लिए हमें घर को उल्टा करना पड़ेगा। सॉलिड आइडिया है पाटिल, लेकिन हम ये सब बिना जादुई शक्तियों की करेंगे कैसे? लेकिन हम सूरज की गर्मी यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे? ये एक ताप शोधक यंत्र है। सूरज की गर्मी को खींचकर उसे ये इस पेड़ के ऊपर डालेगा। पानी परी, अब हमें आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फायर को सिर्फ आइस रोक सकती है, लेकिन तिमनासा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा तिमनासा कि तुम्हारी शक्तियाँ ये छुईनी के पेड़ की तरह बुझ क्यों गई हैं। पकड़ के रखिए, ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर आदमी ने मुबार होने। पंडित जी आप करो। अरे वाह, तो वर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू फोर्स इनटू साइन थीटा, जहाँ पर थीटा है। अरे चुप कर बेटा, यहाँ डर के मारे पहले से दिमाग घसीटा जा रहा है। अब तुझे तुझे अपनी टॉर्च की पड़ी है। अरे मिश्रा अंकल, वो टॉर्च नहीं होता, वो टॉर्क क्यों होता है? टॉर्क। रिंकू प्लीज चुप यार। अरे रिंकू, इस डेट सिचुएशन में भी तुम हमें फिजिक्स का फॉर्मूला सुनाकर हम सबका फोकस मत बिगाड़ो। अरे हाश हो गया। चलो पंडित जी दे दो। हेलो हेलो जल्दी, हेलो हेलो। मैं बच्चे कहाँ पे हैं? रस्सी तो बन गई जजमान, अब आगे क्या करना है? हाँ अभी कुछ समय पहले हमारे घर पर कई सारे उल्कापिंड बरस रहे थे। हाँ। उसमें से ही बचा हुआ एक छोटा उल्कापिंड हमारी तरफ आ रहा है। और हम इस रस्सी की मदद से उस छोटे मीटियोर को ट्रैप कर लेंगे और फिर उसके फोर्स की मदद से घर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अरे लेकिन अगर हम उल्कापिंड को पकड़ेंगे तो फिर हमारा घर उल्टा हो जाएगा, तो घर उल्टा होगा तो हम भी उल्टे होंगे ना। हाँ, इसलिए हमें उल्टा होने के शौक से बचने के लिए घर के अंदर जाकर घर की किसी भी एक चीज को पकड़ना होगा, जैसे कि घर के पिलर्स। उल्कापिंड नजदीक का चुकी है। राम 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 राम। सब तैयार हो जाओ। मिश्रा जी खींच के देखिए। हाँ ठीक। दो देबू डालो। हे भगवान, मुझे उम्मीद है कि मेरी योजना कामयाब हो जाएगी, वरना मेरी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। हाय हाय, पता नहीं ये आइडिया अच्छा है या बुरा है? अब अच्छा हो या बुरा, आइडिया तो है ना। आप लोगों को अपनी जान बचानी है कि नहीं? हाँ हमें बचानी है ना। हाँ बचानी है, बचानी है, बचानी है। तो तैयार हो जाइए सब। बेबी मीडियर पास आ रहा है, वेट फॉर इट। राम 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 राम। 5 4 3 2 तिनके का सहारा सुना था, उड़ते हुए को रस्सी का सहारा पहली बार देख रहे हैं। अरे भागो भाई भागो। हाँ भागो। चलो भागो भागो। अरे भागो, करो ना भाई। दीदी ये घर तो उल्टा पुल्टा हो गया। देवा। कोई तो इसे मेरे पैर से निकालो। उठली कहाँ तू? आई मैं यहाँ हूँ। बेटा ठीक है ना तू? भैया अगर मीटियोराइट ने रिवर्स गियर पकड़ लिया तो ये घर फिर से सीधा हो जाएगा और हम छत से जमीन पे गिरेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई तो इसे मेरे पैर से निकालो। अरे मेरे बच्चे को बचा। अरे चिंटू मैं निकलता हूँ। पकड़ो चिंटू भैया को, पकड़ो चिंटू भैया को, पकड़ो चिंटू भैया को, पकड़ो। अरे क्यों? अरे लेकिन मैंने अपना कर दिया, तुम लोग मुझे क्यों पकड़े हो? अरे चिंटू इस घर में सबसे भारी तुम ही हो। अरे एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो पिलर को पकड़ने से अच्छा हम तुम्हें ना पकड़ ले। अरे अरे छोड़ो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और खुशी की बात यह है कि हम धरती की तरफ जा रहे हैं। यस यस पार्टनर। कूल है? मेरा मतलब है बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छे। जल्दी हार नहीं मान सकती, आखिर करना क्या चाहती है ये? हम धरती की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा हुआ। अरे पद्मिनी आंटी, अरे नहीं ठीक हूँ मैं, वो थोड़ा सा चक्कर आ गया। हाँ फिक्र नॉट पद्मिनी आंटी, हमारे माइंड को स्पीड के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा। अरे यार लेकिन मेरे माइंड का तो एडजस्टमेंट बिगड़ रहा है। हो जाएगा हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या बोला? तेरा माइंड बिगड़ा? सॉरी सॉरी सॉरी। और मुझे उल्टे घर में समझ विंडो की जगह गेट और गेट की जगह विंडो हो गया है। वो क्या है? अरे ये तो अंतरिक्ष भूमंडल है। भूमंडल? अगर हम इसके अंदर फंस गए तो पता नहीं टेलीपोर्ट होकर कहाँ पहुँच जाएंगे। अरे तो कोई भूमंडल से निकलने का आइडिया निकालो। अरे छेड़ा अंकल अभी तो कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है, हम तो सीधा भूमंडल के। दूसरों के चूल्हे में पानी डालने की कोशिश करोगे तो खुद का हाथ भी तो जलेगा ना परियों, ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अपनी औकात से बड़ी मछली का शिकार करने वालों की कश्ती अक्सर डूब जाती है। मछली और चूल्हे का एग्जाम्पल देते हुए मुझे लगता है कि तुम लोग ये भूल गए हो कि मैं एक कारीगर परी हूँ। हेमार इन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि डायमंड वर्ल्ड का सबसे सॉलिड मटेरियल है, इसीलिए डायमंड की इस वॉल ने आपको रोक दिया है। पर अनन्या, ये हीरे की दीवार ज्यादा देर तक तिमनासा की शक्तियों के सामने नहीं टिक सकती, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो तिमनासा सोच भी नहीं सकती। आई एम ऑन इट वायु परी। लगता है कॉस्मिक बवंडर ने हमारे बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट कर दिया, हमें सीधा अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दिया। हाँ हाँ यहाँ की हवा तो बिल्कुल धरती जैसी है। हाँ? लेकिन धरती की हवा तो धरती जैसी लगेगी ना देवो भैया, चांद जैसी थोड़ी लगेगी। हाँ? फैंटास्टिक। मैं अब इस सीनियर और जूनियर को अपने मैजिक लेसन टीच करूंगा। भैया, हम अर्थ पर तो आ गए, लेकिन फिर भी हमारा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे लगता है ये धरती नहीं है। जादू की चुटकी तो इनके पे वक्त नहीं करे। चलो चलो, हम सब लोग आसपास चेक कर लेते हैं, कहीं हाईवे या फिर रोड होगा तो हम लिफ्ट मांग के भारत नगर की लिफ्ट ले लेंगे। चलो चलो पापा, अपन आगे जाके चेक करते हैं। चलो चलो। अरे अरे मिश्रा जी रुकिए, अरे चिंटू रुको, चिंटू रुक जाओ, अरे पता नहीं क्या है। अरे बेटा रुक जाओ, चिंटू रुको। अरे रुक, वापस आ। लाइफ में सबसे पहले आगे भाग रहा हूँ ना, इसलिए किसी से देखा नहीं जा रहा है। अरे चिंटू रुको, रुक जा सुन तो। अरे ये एक फूल है कि अजगर मेरे बेटे को निकल गया। अरे कोई अजगर फूल के मुंह से निकालो मेरे बेटे को। चिंटू को बचाने का बस एक ही तरीका है, तो बस फूल के पास जाकर तैयार हो जाओ। लेकिन भैया हम किस बात के लिए तैयार हो जाओ? मैं अभी आता हूँ। कोई उपाय सूझा तुम्हें अनन्या? ये कहाँ जा रही है? ये उस पेड़ को छूने जा रही है। अनन्या तुम ठीक तो हो? ना ये नौ सिक्किया परी ठीक है और ना ही अब तुम लोग ठीक रहोगे। अब हमें एक पल भी देरी नहीं करनी चाहिए तिम्नासा। अब मुझे दुर्लभ कुंजी देने से कोई नहीं रोक सकता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.